हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग चित्रांत में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। आज हम आए हैं धमधा में नमो ट्रैक्टर्स में, जहां आपको फार्म ट्रैक का 50 DPI करके है, जो इसका पूरा रिव्यू करने वाले हैं पावर मैक्स करके। इसका पूरा डिटेल भैया के थ्रू लेंगे और यहाँ का करीबन देखिए न्यू में भी पूरा ट्रैक्टर्स मिलता है और यहाँ का सेकेंड हैंड का भी वीडियो आने वाला है सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स में। उसमें मैसी, पावर ट्रैक, फार्म ट्रैक सभी ट्रैक्टर्स मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़िए। मेरा आईडी नंबर है चित्रांत 1 2 3 4 5। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भैया वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये दूसरी बार है मैं आपके साथ लाइव हो रहा हूँ। बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट आया पिछले बार का। रिजल्ट अच्छा है, बहुत बढ़िया आया। आज हम आपको एक नया प्रोडक्ट जो कि अभी मार्केट में बहुत अच्छे टाइम से है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। ये हमारा पावर मैक्स सीरीज का सबसे पहला मॉडल है। इसमें तीन गाड़ी आती है, 50 की, 55 की और 60 HP की। ये है फार्म ट्रैक का पावर मैक्स 50। पावर मैक्स 15 करके 50 तो हाँ 50 HP पूरा है इसमें। 50 HP का ट्रैक्टर है। इसमें बहुत सारी आधुनिक विशेषता है। कंपनी ट्रैक्टर को काफी समय से बेच रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो भी ग्राहक ले गया है उसका भी बहुत संतोषजनक रिजल्ट इससे मिला है। और इसमें ऐसे क्या क्या फीचर्स है? फीचर्स की बात करते हैं तो इससे कंपनी ने ये पूरे स्टिकर को नया कर दिया है, जैसा अच्छा कि आप देख सकते हैं इसकी पूरी ब्रांडिंग नई है। कंपनी फिटेड बम्पर दे रहा है इसपे। फार्म ट्रैक का यहाँ पे लोगो दिया है। इसके बाद ये पावर मैक्स नीचे में लिखा है, इससे आप आसानी से जान सकते हैं कि ये पावर मैक्स सीरीज का ट्रैक्टर है। अच्छा। जो 50 HP है। जहाँ तक लाइट की बात करें, पूरा LED कवर लाइट है और बड़े हेडलैम्प्स हैं ताकि आपको रात में रोशनी प्रॉपर मिले। इसके जो एक्सेल है, एडजस्टेबल एक्सेल है। अच्छा। ये भी एक नई तरीके की खूबी है। साथ ही साथ आपको बड़े टायर मिलते हैं 7/50/16 के, सामने के फ्रंट के दो टायर इसके अन्य ट्रैक्टर से बड़े हैं। पीछे के टायर 14/9/28 है। पीछे के टायर 14/9। और इस ट्रैक्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप रेगुलर सर्विस टाइम इसका, जैसे कि अमूमन हर ट्रैक्टर पे आप देखेंगे कि 250 से 300 घंटे में कराना रहता है, इसमें आपको 500 घंटे में सर्विस इंटरवल है। अच्छा, 500 घंटे चलने के बाद इसको एक सर्विसिंग के बाद 500 घंटे के बाद इसका अगला सर्विसिंग होता है। उससे आपको मेंटेनेंस खर्चा कम आता है, प्लस आपको बार बार आपका दिन और समय भी बचाता है। आप एक दिन सर्विस के लिए निकलेंगे, वो दिन पूरा बच जाएगा और आप 500 घंटे में इसकी सर्विस कराएंगे तो इसका आपको लागत कम लगती है मेंटेनेंस। पावर की बात तो खैर लोगों को पता है, फार्म ट्रैक का पावर और खिंचाव कैसा रहता है। ये EPI श्रेणी की गाड़ी है। अच्छा, EPI इसका EP साइक्लिक रिडक्शन होता है उसका। उसका मतलब ये है कि जो इसका बैक साइड का है, आप जैसे कि पीछे अगर आते हैं, अभी यहाँ पे जाना संभव नहीं होता है, मैं दिखाऊंगा आपको बैक साइड पे। ये EPI गाड़ी है। EPI उसको बोलते हैं। EPI सिस्टम है, ब्लरी वॉल। पूरे साइड के शिफ्ट वाले गियर है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ शिफ्ट गियर। हाँ, ओरिजिनल साइड शिफ्ट। और ये डबल क्लच में, ये डबल क्लच OIB रिवर्स PTO। अच्छा। और उसके साथ ही बहुत कंफर्टेबल इसका सीट दिया हुआ है। आप उसको आगे भी कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, पीछे भी कर सकते हैं। केयर बटन, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे ट्रैक्टर पे केयर 24/7 का बटन है। उसमें आप सीधा 24 घंटे आप कंपनी से कनेक्टेड रहते हैं। कुछ भी सर्विस रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वो बटन को यहाँ पे दिया रहता है, यूज कर सकते हैं। इसका बोनट खोल के दिखाएंगे आप हमें? जी बिल्कुल। इसमें क्या पता है? इसपे अब कंपनी ने इसे अभी आधुनिक तरीके से बना दिया। ये अपने आप ऑटो लिफ्ट हो जाता है, ऑटो लिफ्ट ऊपर में रह जाता है। आप कभी भी यहाँ पे कुछ वर्किंग करना है तो अपना कर सकते हैं। अच्छा। और ये कितने सिलेंडर में आते हैं? तीन सिलेंडर का। इसपे जो अपना 60 आता है पावर मैक्स में, वो 4 सिलेंडर का। और इसका इंजन कैपेसिटी कितना होगा? इंजन कैपेसिटी उसका क्यूबिक कैपेसिटी इसका लगभग 3514 क्यूबिक कैपेसिटी, 3500 उसी के आसपास है, 3514 के आसपास है। हैवी वेट बम्पर है और तेल खपत में लोग ज्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। जहाँ तक तेल खपत और ताकत की बात है, ये दोनों का जबरदस्त संतुलन है। अच्छा अच्छा।
और दुर्ग जिले में हमारा ये शोरूम खुलने के बाद से अभी तक सबसे ज्यादा बिक्री इस ट्रैक्टर की हुई है। अच्छा, इसी ट्रैक्टर्स का ज्यादा डिमांड है। सबसे ज्यादा ये ट्रैक्टर है। और इस ट्रैक्टर्स में क्या है, जीपीएस वगैरह भी अभी? हाँ, इस पे लोकेशन जैसे कभी घूम गया, इधर उधर हो गया, कोई ले गया, तो जो जगह पे ये खड़े रहेगा उस जगह की लोकेशन अपन आपको कंपनी के थ्रू दिलवा देते हैं। एक और रोटावेटर, और अभी जितने भी नए उपकरण आ रहे हैं उसमें काफी सफल है, और मैंने जितने लोगों से, जितने किसान को दिया है उनसे रिव्यू लिया है, सब काफी संतोषजनक है। ट्रैक्टर आप खुद भी देखिए, बहुत हैवी लग रहा है। उसका फ्यूल टैंक कितने का होगा? 60 लीटर का फ्यूल टैंक। 60 लीटर का। इसमें एलईडी लाइट वगैरह लगी हुई है। एलईडी लाइट से इंडिकेटर, ये मडगार्ड भी स्टाइलिश मडगार्ड में आता है। स्टाइलिश मडगार्ड, सिंपल मडगार्ड आप देखेंगे ऐसा रहता है। और इसका प्राइस क्या होगा अभी? इसका अभी वर्तमान में अभी इसका प्राइस लगभग 7,40,000 के लगभग आ रहा है। अच्छा अच्छा समय समय पे अभी बढ़, क्योंकि रेट निरंतर बढ़ रहे हैं अभी। और कुछ कुछ स्कीम और डिस्काउंट अभी एक प्रकार के एक्स्ट्रा लीवर है ये। अच्छा, ये इस लीवर से आप अपना ट्रैक्टर का जैसे रिवर्सेबल प्लाउ जो आता है वो सब ऑपरेट कर सकते हैं, और डबल जैक ट्रॉली वाली है तो उसके लिए काफी अच्छा है, आपको बार बार लीवर को यूज करना नहीं पड़ता। अच्छा, और इसमें गियर में किस कैसे है? गियर इसमें 8+2 गियर है। अच्छा, 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स। इसपे जो पावर मैक्स का अगला ट्रैक्टर जो आता है 55 HP का, उसमें T20 गियर है, वो 20 गियर बनाता है। 16 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स। ये गियर बटन डिवाइस का आपको मैं बताया। अच्छा, और इसमें मीटर में कुछ और न्यू आया है कि वैसे सेम है? इंफोटेनमेंट सिस्टम तो वही है इसका, और बाकी आपका डिजिटल मीटर दे दी है कंपनी, काफी सालों से दे रही है उसे। अच्छा, बाकी लेटेस्ट पे आपको कंपनी फिटेड बम्पर मिल जाता है। अच्छा, ये बम्पर कंपनी फिटेड है। 110 किलो के पावर स्टीयरिंग है, और ये है ना? हाँ, पावर स्टीयरिंग है आधुनिक, अब तो सभी गाड़ी लगभग पावर स्टीयरिंग हो गई। अच्छा, और कुछ बोलना चाहेंगे? बस धन्यवाद।